Hello friends, welcome to Learn Maths. Please press the subscribe button to subscribe my channel and press the bell icon to get the latest video updates. Let's do question number 5th of exercise 15D, that is the properties of triangle. Question number 5th is, the side of a triangle measures 15 cm, 36 cm and 39 cm. Show that it is a right triangle. Friends, अगर मैं सबसे बड़ा हमें पता है हाइपोटेन्यूज होता है तो हाइपोटेन्यूज की कितना हुआ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 39 सेंटीमीटर हुआ हमारा सबसे बड़ा 39 है तो हम परपेंडिकुलर हम कितना मान लेंगे 36 सेंटीमीटर मान लेंगे और बेस हम मान लेंगे 15 सेंटीमीटर राइट फ्रेंड्स. अब हमें ये बताने के लिए कि ये राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, अगर हम हाइपोटेन्यूज हटा दें कि हमें पता ही नहीं है और हमें परपेंडिकुलर और बेस से हाइपोटेन्यूज निकालना हुआ तो यही आना चाहिए, दैट मीन्स इट इज करेक्ट. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो पी कितना हुआ 36 का होल स्क्वायर, b कितना हुआ 15 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ गया, देखिए 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 10, 6 9 2 1 ये आया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 6 7 5 एंड 1, तो ये आ गया 5, 2 एंड 2, 225. तो ये कितना आ गया 6 एंड 5 इज 11, कैरी 1, 10 एंड 12, कैरी 1, 5 एंड 1. राइट फ्रेंड्स, ये आ गई हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू. तो एच कैसे निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1521. दैट मीन्स देखिए 1521 है, 3 से जा सकते हैं, 3 5 जा 15, दो वैल्यूज नीचे निकाल रहे हैं तो 0 लगेगा, 3 7 जा 21, 3 अगेन 3 1 जा 3, 4 5 20, 3 6 जा 18, 9 जा 27. हमें ये पता है 139 13 का स्क्वायर होता है. फ्रेंड्स, स्क्वायर्स आपको याद करने पड़ेंगे 20 तक, जिससे कि आप डायरेक्टली कर सको. तो आप देखिए दो दो के पेयर बन रहे हैं और एक बार बाहर निकाल लेंगे 3 इंटू 13, दैट इज 39 सेंटीमीटर आ गया. देखिए सेम आ गया, दैट मीन्स यस इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 15D, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 6 इज, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ द लेग्स आर गिवन एज ए इक्वल्स टू 6. फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए मान लीजिए हमारा बेस है और बी मान लीजिए हमारा परपेंडिकुलर है. तो ए हमें दे रखा है 6, दैट इज बेस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर दे रखा है हमें, दैट इज बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हमें क्या निकालना है, सी निकालना है, दैट इज हाइपोटेन्यूज. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो पी क्या हुआ हमारा 4.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस क्या हुआ हमारा 6 का स्क्वायर. तो 4.5 का स्क्वायर देखिए कितना बैठेगा, 4.5 इंटू 4.5, 5 5 जा 25, 20 22, 4 5 जा 20 टू कैरी, 4 4 जा 16 17 18, तो आ गया 20.25. दो के बाद पॉइंट लग जाएगा प्लस 6 6 जा 36, तो ये कितना आ गया 56.25. ये हमारी आ गई एच स्क्वायर की वैल्यू. राइट फ्रेंड्स, अब हमें h की वैल्यू निकालनी है. तो h कैसे निकलेगा, h इज स्क्वायर रूट ऑफ 56.25. राइट फ्रेंड्स, देखिए दो के बाद पॉइंट है. फ्रेंड्स, इसको पहले हम बिना पॉइंट के लिखेंगे
और इसके फैक्टर्स निकालेंगे. 5, 5 1 ज़ 5, 5 1 ज़ 5, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25. अगेन 5, 5 2 ज़ 10, 5 2 ज़ 10, 5 5 ज़ 25. राइट फ्रेंड्स, अब फिर 5 से 5 4 ज़ 20, 5 5 ज़ 25. राइट फ्रेंड्स, अगेन 5 से 3 3 ज़ 9 एंड 3 1 ज़ 3. अब देखिए दो दो के पेयर्स हो गए, एक बार बाहर लिखा तो ये कितना आ गया, 5 5 ज़ 25, 25 3 ज़ 75. राइट फ्रेंड्स, दो के बाद पॉइंट था, दो का आधा कितना हो गया एक, तो एक के बाद पॉइंट द आंसर. या हम एक और तरीका है, इसको हमने पॉइंट हटाया, 56.25 था पॉइंट हटाया, दो के बाद पॉइंट था, नीचे 100 आ गया. इसका हमें पता है स्क्वायर रूट, ऊपर का 75 आया, नीचे का 100 का स्क्वायर आएगा 10. राइट फ्रेंड्स, आप देखिए इसको एक बार, नीचे एक है पर एक जीरो है, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.